अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज चिमनी मोहल्ला में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें खालिक दाद वल्द फजल हुसैन उर्फ बम्मा नाई, जो कि रंग का काम करता था, उसकी मौत वाक़या हुई है। अपने घर में मुर्दा हालत में पाया गया है। उसके बेटे जैन अली के मुताबिक वो अब कारपेंटर का काम करता है। जैसे ही बाज़ार से वो शाम 5 बजे घर पहुँचा तो घर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई जवाब अंदर से ना आया। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसने दीवार फलांगी और अंदर कमरे में अंदर गया तो कमरे के अंदर भी दरवाज़ा बंद था और उसके अंदर भी कुंडी लगी हुई थी। उसने साथ जो जाली थी वहां से देखा तो उसे सामने नज़र आया कि उसका वालिद इंतहाई ज़ख्मी हालत में मौजूद है, उसके पेट से खून निकल रहा है। उसने फौरी तौर पर अहले मोहल्ला को इकट्ठा किया और दरवाज़े को तोड़ डाला। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो सांसें उसकी ख़त्म हो चुकी थी। उसने रेस्क्यू 1122 को कॉल की। रेस्क्यू वाले पहुंचे तो उन्होंने आकर इस बात की तस्दीक की कि खालिदाद उर्फ बम्मा नाई की मौत वाकई हो चुकी है। उन्होंने पुलिस को भी इतला दी और कुछ ही देर बाद पुलिस भी मौका पर पहुँच गई और शवाहद इकट्ठे करने शुरू कर दिए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ रवाना कर दिया गया। बेटे से जब बात हुई तो उसने कहा कि मैं रूटीन के मुताबिक शाम 5 बजे ही अपने घर वापस पहुंचता हूं। वालिद मेरा अकेला होता है और हम दो ही फ़र्द हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो ये हमारी समझ से बाहर है कि कैसे वाकया रूनमा हुआ। तहम जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस का कहना था कि ये खालिक दाद नशे का भी आदि था। अहले मोहल्ला ने इस बात की तस्दीक की है और हमें ये इस तरह मालूम हो रहा है कि जैसे ये खुदकुशी हो सकती है, किसी ने कत्ल नहीं किया, और ये भी हो सकता है कि इसने ब्लेड के साथ अपने पेट पर यह कट लगाया हो जिसकी वजह से इसकी मौत वाकया हो गई हो। पुलिस का कहना है कि ये कत्ल नहीं बल्कि खुदकुशी ही लगती है।